तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में दोस्तों। फ्री मोबाइल योजना कहूँ या डिजिटल सेवा योजना कहूँ, फाइनली जो है राजस्थान सरकार ने इसकी ऑफिशियल गाइडलाइन जारी कर दी है। ऑफिशियल सरकारी आदेश जारी कर दिया गया है कि कब कब जो है आपके ये कैंप लगने वाले हैं, शिविर लगने वाले हैं, और साथ ही साथ कब जो है आपको मोबाइल वितरण किए जाएंगे, कैसे मोबाइल वितरण किए जाएंगे। सरकार ने इस योजना में एक बार फिर कुछ बदलाव किए गए हैं, वो जानना आपको बेहद जरूरी है। पिछले एक डेढ़ साल से ये जो है योजना चर्चा में है, अलग अलग डेट दी जा रही थी कि इस दिन मोबाइल दिया जाएगा, इस दिन मोबाइल दिया जाएगा, लेकिन अब फाइनली जो है राजस्थान सरकार ने जो है कैंपों के ऑफिशियल आदेश जो है जारी कर दिया। पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो में देने वाला हूं, वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इतने दिनों के बाद तो फोन मिल रहा है, कहीं आप जो है इस मौके से चूक ना जाए। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को सभी के पास शेयर कीजिएगा, सभी महिलाओं के पास शेयर कीजिएगा, ताकि उनको जो है इस योजना की जानकारी मिल पाए। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि इस योजना का नाम बदलकर जो है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना कर दिया गया है। आपके मैं बता दूं कैंप यानी शिविर जो है आपके 10 अगस्त से लगना शुरू हो जाएंगे, 10 अगस्त जो है 2023 से जो है आपके कैंप शुरू हो जाएंगे लगना। सभी को मैं बता दूं डीबीटी के माध्यम से जो है इस योजना का लाभ दिया जाएगा। पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को लगभग जो है सरकार फोन देने वाली है। कैंप से जो है 6 अगस्त को जो है 6 अगस्त तक जो है कैंपों की सभी तैयारी पूरी कर ली जाएगी, और जो है उसके 2 दिन पहले जो है आपको सूचित कर दिया जाएगा साइट के माध्यम से और तमाम माध्यमों से कि कैंप यहां लगेगा, ये लिस्ट है, इन लोगों को जो है फोन वितरित किया जाएगा। यानी कैंप से 2 दिन पहले जो है सभी के पास सूचना दे दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट को, किन किन को जो है ये जो फोन दिया जाएगा सरकार की तरफ से। पात्रता की बात कर लेता हूं, प्रथम चरण में जो लाभार्थी इस योजना के लिए पात्र हैं, सरकारी विद्यालय में 9 से 12वीं तक जो अध्ययनरत छात्राएं हैं वो इसकी जो है पहले चरण में पात्र होंगी। सरकारी उच्च शिक्षा संस्थान जैसे महाविद्यालय हो गए, कोई IIT की पढ़ाई कर रही है, अध्ययनरत छात्र जो है इसके जो पात्र होंगे। साथ ही साथ एकल नारी सम्मान पेंशन योजना जिन महिलाओं को मिलती है, यानी विधवा महिलाएं इसकी पात्र होंगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 100 दिवस जो है कार्य करने वाली जो है महिला मुखिया इसकी पात्र होंगी, और साथ ही साथ इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 50 दिवस कार्य करने वाली जो है महिला मुखिया इसकी जो है पात्र होने वाली है। अब इस योजना की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं और आपको दे देता हूं। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं, तो अगर जैसे बात कर ली जाए कि जो महाविद्यालय जो शिक्षा कर रही है विद्यालयों में, जो महाविद्यालय जैसे पॉलिटेक्निक कर रही है, IIT का छात्र कर रही है, उनके लिए क्या क्या दस्तावेज सरकार ने बताए गए हैं। जिन लाभार्थियों की उम्र जो है 18 वर्ष से कम है तो उनके लिए जो है चिरंजीवी परिवार के मुखिया का जो है आधार कार्ड एवं स्वयं चिरंजीवी परिवार की जो है मुखिया का उपस्थित होना अनिवार्य है। यानी जिन भी छात्राओं की उम्र जो 18 साल से कम रहेगी, उनकी जो महिला मुखिया यानी चिरंजीवी परिवार में जो महिला मुखिया है उसका आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और महिला मुखिया का उपस्थित रहना जरूरी है। 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत छात्राओं को विद्यालय और महाविद्यालय IIT पॉलिटेक्निक कॉलेज अध्ययनरत छात्राओं को IT कार्ड जो है उनके रजिस्ट्रेशन नंबर की जो है आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर पैन कार्ड है तो आपके पास पैन कार्ड भी आप ला सकते हैं। लाभार्थी का आधार कार्ड जो है EKYC के लिए जरूरी होगा। वहीं अगर एकल नारी सम्मान पेंशन योजना जिन्हें मिलती है उनको अपना PPO आधार कार्ड और जन आधार कार्ड जो है साथ लाना होगा। तो और बाकी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वही है कि जैसे आपके पास आपका जन आधार कार्ड होगा, EKYC के लिए आधार कार्ड होगा, आप अपना पैन कार्ड ला सकते हैं। छात्रों की अगर 18 साल से कम उम्र है तो जो है फोन और सिम जो है उनकी जो महिला मुखिया होंगी चिरंजीवी परिवार के उनके नाम से दिया जाएगा। EKYC के लिए आधार कार्ड जरूरी है और मोबाइल लेने के लिए आपको जन आधार कार्ड जरूरी है। अगर आपकी जो चिरंजीवी परिवार की अगर पॉलिसी निकली हुई है वो प्रिंट है और जिनके पास भी कार्ड आ गया वो अपना कार्ड भी ला सकते हैं। साथ ही साथ जो आपका नरेगा में जैसे जिन्होंने काम कर रहे हैं वो अपना जॉब कार्ड ला सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये है कि पहले चरण में जो है 40 लाख महिलाओं को सरकार लगभग फोन देने वाली है, जिसमें नहीं होंगी विधवा महिलाएं होंगी जो कार्य करा है, जो है मनरेगा में जिन्होंने काम करा है वो महिलाएं होंगी। तो जो है कैंप आपके 10 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए। जब भी आपके कैंप लगेगा तो आपके जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर कैंप लगाएंगे जाएंगे, तो उसकी सूचना आपको 2 दिवस पहले सरकार द्वारा दी दी जाएगी, चाहे आपके ग्राम पंचायत में सरपंच द्वारा दी जाए, तमाम माध्यमों से जो है आपको सूचना दे दी जाएगी। साथ ही साथ आप जो राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन नंबर है 181 पर इस योजना की जो है और भी जानकारी ले सकते हैं, और राजस्थान का जो सूचना जन सूचना पोर्टल है उसके माध्यम से भी जो है आप इस योजना की जो है जानकारी ले सकते हैं। तो ये अपडेट है कि 10 अगस्त से जो है सरकार जो है कैंप लगा के मोबाइल वितरण आपका शुरू कर देगी। पूरी जानकारी मैंने आपको वीडियो में दे दी, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।